यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गेहूं संकट से जूझ रहे यमन की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र की डिप्टी रिलीफ चीफ ने कहा है कि भारत ने यमन में गेहूं निर्यात कर यमन की बड़ी मदद की है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वैश्विक कमोडिटी बाजारों में सप्लाई में बदलाव और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत जरूरतमंद देशों को वित्तीय मदद और खाद्यान्न मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा, भारत ने बीते 3 महीने में यमन को 250,000 टन से अधिक गेहूं निर्यात किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों की सहायक महासचिव और डिप्टी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर ने माना है कि भारत से भेजी जा रही गेहूं की खेप यमन में सप्लाई का अहम स्रोत बन रही है, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर। वहीं उन्होंने कहा कि हम गेहूं के निर्यात को लेकर भारत और यमन की सरकार के बीच हाल में हुई सकारात्मक बातचीत से भी प्रोत्साहित हैं। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत से वाणिज्य के गेहूं का निर्यात यमन के लिए सप्लाई का प्रमुख स्रोत बना है। वही बता दें कि परिषद की बैठक में यमन को गेहूं मुहैया कराने के भारत के योगदान का जिक्र करने के लिए आभार भी जताया। साथ में उन्होंने कहा कि यह भी जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर हुदेदा में बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बंदरगाह यमन में खाद्यान्न और अन्य जरूरी कमोडिटी के आयात के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। साथ ही यूक्रेन युद्ध से खाद्य सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है। पिछले साल यमन में आयात हुए कुल गेहूं में से लगभग आधा रूस और यूक्रेन से आया था। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन से गेहूं आना बंद हो गया। इसके बाद यमन ने जल्द ही अन्य स्रोत ढूंढने शुरू किए। साथ में वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों और अन्य चुनौतियों की वजह से यमन में खाद्यान्न की उस सप्लाई चेन का सुचारू ढंग से काम करते हुए रहना मुश्किल हो गया था। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी से हो रहे युद्ध की वजह से यमन गेहूं संकट का सामना कर रहा है। यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।